हेलो दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे ना कि आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। नहीं आंटी जी, थंबनेल देखकर मैं बिल्कुल नहीं समझा कि आज आप हमें क्या बताने वाले हो। तो क्या बता दो? तो हाँ, बता ही देती हूँ दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी शादी किससे होंगी। क्यों, चौंक गए क्या? कैसे आंटी जी, आप कैसे बताएंगे मेरी शादी किससे होंगी? यकीन नहीं हो रहा तो एक बार ट्राई करके देख लीजिए। मैं 100% गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि आपकी शादी किससे होंगी। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे 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 क्यों कर रहा हूँ, यार मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। जब मैंने आंटी के इतने सारे इकट्ठे वीडियोस देखी ना, तो मुझे नहीं पता यार, मतलब एक नॉर्मल इंसान कैसा बिहेव करते हैं। बस वीडियोस देखी और उसके कैरेक्टर में यार हम तो घुस ही गए हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे करते, पता नहीं यार मेरी जिंदगी तो झंड हो गई है। तो यार मैं आंटी की वीडियोस को देखते देखते हो गया हूँ पागल। तो आ जाओ दोस्तों, दोनों मिलके पागल बनते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मनोरंजन मसाला को और इस बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरी वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीरा और मनोरंजन मसाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये ऐसे ऐसे करते हैं इंट्रो। मेरा इंट्रो देखा क्या? ओ सॉरी, मेरा तो इंट्रो ही नहीं है अभी फिलहाल। साइक, That's the wrong number. मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं भी एक ऐसा वाला इंट्रो तो बना ही लेता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए मॉडर्न राजपूत चैनल को और इस बेल आइकन को भी क्लिक करिए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो भाई रेडी हो ना अपने लवर का नाम जानने के लिए? आंटी जी मैं रेडी रही हूँ, बेसब्र बेकरार जो भी वर्ड आते हैं वो मतलब सच्ची बता रहा हूँ यार, मतलब सीरियसली बहुत ही ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए। मतलब मेरी गर्लफ्रेंड का नाम एक्चुअली आज बताने वाले हैं। वाओ, मतलब मैं सोचता था बचपन में कि हे भगवान, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड कहीं पे ना कहीं तो होगी ना इस दुनिया में। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। काश मिला दे। आई थैंक यू आंटी, आप आज मेरी इस चीज को पूरा करने वाले हो। एंड थैंक यू सो मच। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लोटा, ये अश्लील है ये लोना। दोस्तों इस चार्ट में आपके लवर के नाम का पहला लेटर कहाँ है वह देखिए और उसके सामने का नंबर लीजिए, जैसे फॉर द। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मतलब आंटी इतनी स्लो बोलती है, मतलब नॉर्मल आई थिंक मतलब 2x स्पीड पर भी देखेंगे तो मतलब सीरियसली बता रहे यार, मतलब फिर भी आंटी जी स्लो ही बोलेंगे। तो दोस्तों बात है 2023 की, जब मेरे पास फोन आया न्यू तो मैंने भाई ट्रिगर्ड भाई की वीडियोस देखी, यही वाली मतलब सेम कंटेंट। आई थिंक जस्ट मैं इस कंटेंट को कॉपी कर रहा हूँ, आप लोग बाद में मत बोलना कि कॉपी कंटेंट है, ठीक है? तो मैंने जब ये देखा तो मतलब एक्चुअली आंटी की पहले वीडियोस देखी थी, तो फिर देखा मैंने भाई ट्रिगर्ड भाई ने मतलब निश्चय भाई ने मतलब इस पर ऑलरेडी वीडियोज बना रखी थी, मतलब पूरी वीडियो देखी, जस्ट फनी और बहुत ही मजा आया था देखने में। और फिर आंटी की वीडियोज फिर से मतलब बहुत सारे कंटेंट उनके देखे, तो मतलब सच में हंसते हंसते मैं पागल हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना जस्ट लाइक सेम ट्रिगर भाई की तरह मतलब जस्ट कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और आई थिंक मतलब इसका नाम देंगे पार्ट टू कुछ ऐसा कुछ करके। तो आई थिंक कि इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सो आप वीडियो को लाइक और चैनल को आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे न्यू लेटेस्ट कंटेंट वीडियोस को देखने के लिए। तब यार मैंने देखा आंटी की थंबनेल, हाँ कंटेंट ये था कि मैं बता सकती हूँ आपके लवर का नाम। ओ गॉड यार, दैट्स माय गर्लफ्रेंड लवर, एक्चुअली उसे ही कहते ना। सो मतलब जो चीज है ही नहीं तो मतलब कैसे बताएंगे वो। अच्छा, हमको सिखा दिया है। मतलब ये तो सारा गेम मतलब यहाँ पर ही खत्म हो जाता है, बट क्यूरियोसिटी यार जो नाम की चीज होती है ना वो मतलब मेरे अंदर जागा, और मैंने सोचा क्यों ना जय हिंद जय भारत बोलकर एक रैंडमली कोई सा नाम लेंगे और
देखते हैं क्या होता है। अब यार आंटी का मतलब सीधा समझना है कि अगर आपके गर्लफ्रेंड का जो भी नाम है उसके आगे वाला लेटर को आप चूज कर लो, तो सपोज मैं रैंडमली, मेरा तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ है नहीं, चल झूठा, तो मैं मतलब के कुछ मतलब ऐसे ही रैंडमली मैं चूज कर लेता हूँ, तो के की आगे है 20 एंड आपका जो भी हो आप वो अपने हिसाब से चूज कर लेना। स्टेप नंबर 2। अरे स्टेप नंबर 2, अरे भाई ये तो वो एक बोलो जुआ के सरी। दोस्तों आपने अपने लवर के नाम के पहले लेटर के सामने का जो नंबर लिया होगा उसमें बीस प्लस कीजिए। जैसे फॉर द एग्जांपल मैंने यानी इस लेटर के सामने का 2 यहाँ नंबर लिया था, तो मैंने 2 मतलब आंटी इतनी स्लो बोलती है, मतलब नॉर्मल आई थिंक मतलब 2x स्पीड पर भी देखेंगे तो मतलब सीरियसली बता रहे यार, मतलब फिर भी आंटी जी स्लो ही बोलेंगे। स्टेप नंबर 3, दोस्तों 20 प्लस करने के बाद में आपका जो भी जवाब आया होगा उसमें से 1 माइनस कीजिए। होगा जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मेरा था 20, मैंने 20 चूज किया तो उसमें फिर 20 थी प्लस करने, तो वो मैंने प्लस कर दिया, हो गया 40, फिर हो गया था मतलब माइनस करना था 1, तो माइनस करने के बाद 39। स्टेप नंबर 4, दोस्तों 1 माइनस करने के बाद में आपका जो भी जवाब आया होगा उसे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। दोस्तों 39 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 117। दोस्तों क्या आपको पता है कि जब मतलब आंटी एक्चुअली ऐसे 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 करके जो आंटी मतलब अपना फिंगर चलाते ही रहा, मतलब एक्चुअली मैं बचपन में ऐसा करके मतलब मार खाया करता था, मतलब सर डंडे चलाते थे ऐसे करके। अच्छा सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम्स हम ट्रिक पे आते हैं, लास्ट ट्रिक है ठीक है, डोंट मिस द एंड। तो अब आपका जो भी जवाब आया होगा उसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। सो गाइस हमारे पास था मतलब 117 ठीक है, तो एक्चुअली मतलब उसे करा था मैंने, अब 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो हो गया 2, 3 बता दूं 4 मतलब 234। आंटी जी अब बेसब्री बेकरार मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मतलब आप बता ही दो मतलब हमारे गर्लफ्रेंड का मतलब नाम सीरियसली। दोस्तों अब मैं आपको आपका रिजल्ट बताने वाली हूँ, तो भाई जरा रुकिए, अपने लवर का नाम तो देखते जाइए। ओके आंटी जी। दोस्तों देखिए स्क्रीन पर आपका जो भी जवाब आया होगा वह आप इस चार्ट में देखिए, तो आपके जवाब के सामने का जो लेटर है वह आपके लवर के नाम का पहला लेटर है और उस लेटर से आपके लवर का नाम शुरू होता है। तो दोस्तों आ गया ना भाई आपके लवर का नाम, और यह देखकर आप चौंक गए ना कि यह कैसे संभव है। यदि दोस्तों मतलब आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। आंटी ने मुझे बेवकूफ बनाया, घुमा फिरा के मतलब वहीं पे ला दिया, मतलब एक्चुअली उसी नंबर पे, मतलब मैंने तो केस सेलेक्ट किया था कि मतलब मेरा केस है गर्लफ्रेंड ठीक है, फिर आंटी ने भी कहा कि आपका केस है, एक्चुअली मैंने केस सेलेक्ट किया था ना, तो उसी के सामने मतलब अभी के आ गया, तो आंटी ने मतलब बेवकूफ बनाया हर लोगों को, मतलब यार 13 मिलियन लोग से ज्यादा मतलब बेवकूफ बन गए यार। अब मुझे पता चला कि नॉलेजेबल कंटेंट यूट्यूब पर वायरल क्यों नहीं होती है। नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़, क्योंकि जो लोग होते हैं ना ऐसे ऐसे कंटेंट देखने में मतलब घुस जाते हैं यार, तो नॉलेजेबल वीडियोस को मतलब किसको पसंद आएगा यार। सच बताऊं यार सीरियसली मतलब आंटी जी खेल गई हम लोगों के साथ में। अच्छा मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया हुआ, एंड आई होप गाइज आने वाले दिनों में मतलब ऐसे ही फनी दैट्स इंटरेस्टिंग एंड फनी मजेदार कॉमेडी और ऐसे करके मतलब वीडियोस तो आती ही रहेगी। सो आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। समंदर के जैसे बढ़ती लहर, समंदर के जैसे ढाती गहर, सोने सा चमके उसका बदन, छू दे तो अमृत बन जाए शहर, असली चेहरा उसे सब है पता, जाल है गहरा उसे कुछ न छुपा।